हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा चौहान, योर इंग्लिश टीचर। इन लास्ट वीडियो वी हैव कंप्लीटेड निगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, टुडे वी विल डू इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Firstly, we will do type first. देखिए, past perfect में हम जो tense कर रहे थे, कौन से वाले कर रहे थे? जिनमें दो कार्य हो रहे होते हैं। मैंने बताया था जो कार्य पहले होता है उसकी जो हम इंग्लिश बनाते हैं तो उसको past perfect में बनाते हैं, और जो काम बाद में होता है उस काम को हम पास्ट इनडेफिनेट में बनाते हैं। ठीक है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? पास्ट परफेक्ट की हेड होती है, और पास्ट इनडेफिनेट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें आज फर्स्ट टाइप पढ़ना है। तो सबसे पहले हम रूल देख लेते हैं। देखिए, इसके भी दो रूल होंगे, एक आफ्टर वाला और एक बिफोर वाला। तो सबसे पहले हम बिफोर वाला पढ़ लेते हैं। तो बिफोर में क्या आता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड आता है। तो इसमें हम हेड पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नॉट दिया है तो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर। बिफोर के बाद वाला सेंटेंस किसमें बनता है? पास्ट इंडेफिनेट में। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, ये हो गए बिफोर का रूल। अब देखिए आफ्टर का रूल क्या होता है। उसमें पहले आता है डिड, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर दे रखा है तो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब डिड बाहर आ जाता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है? फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ओके, ये हो गए रूल। ठीक है, अब हम करेंगे इससे रिलेटेड एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, क्या मेरे आने से पहले रवि जा चुका था? तो हम सब कौन सा रूल लगाएंगे? ऊपर वाला है ना, हेड रवि, रवि सब्जेक्ट है यहाँ पे, हेड रवि गॉन, नॉट तो है नहीं इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। रवि हेड रवि गॉन बिफोर, पहले के लिए क्या लगाएंगे हम? बिफोर, बिफोर आई केम, आई केम यानी वर्ब की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है ना, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। हैड रवि कौन बिफोर आई केम। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और भी एग्जांपल ले लेते हैं।
क्या डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था? तो अब इसमें बाद आ रहा है, यानी आफ्टर वाला रूल लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आता है? डिड पेशेंट, डिड पेशेंट डाई? क्योंकि यहाँ पे हम जब डिड लगा देते हैं तो फॉर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। ओके, आफ्टर डॉक्टर हैड कम, ठीक है। नेक्स्ट बनाएंगे, क्या मेरे जाने से पहले माता जी ने खाना खा लिया था? अब यहाँ पहले है तो यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहले हैड, पहले वाला रूल लगाएंगे, इसमें बिफोर आता है। हैड मदर ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ईटन फूड, पहले के लिए बिफोर, आई वेंट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर 4, क्या मेरे सोने के बाद वह चला गया था? तो यहाँ पे देखिए बाद आ रहा है तो यानी हमें आफ्टर वाला रूल लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या आता है उसमें? डिड, वह चला गया। डिड ही गो, अब डिड आ गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। डिड ही गो आफ्टर आई हैड स्लेप्ट, ठीक है। मेरे सोने के बाद क्या वह चला गया था? क्या मेरे सोने के बाद वह चला गया था? डिड ही गो आफ्टर आई हैड स्लेप्ट, ठीक है। यह है बाद वाला रूल। एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम। क्या अध्यापक के कक्षा में आने के बाद विद्यार्थी शांत हो गए थे? तो बनाएंगे, अब बाद है तो हम बाद वाले सेंटेंस में से कह लेते हैं, डिड डिड स्टूडेंट्स कम डिड स्टूडेंट्स बी साइलेंट, डिड स्टूडेंट्स बी साइलेंट आफ्टर, ये वाला जब पास्ट इंडेफिनिट में बन गया तो अब हम कौन किसमें बनेगा? पास्ट परफेक्ट में। डिड स्टूडेंट्स बी साइलेंट आफ्टर द टीचर हैड कम इन क्लास? ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया है फर्स्ट टाइप। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम
इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। थैंक यू।